नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है गदर एक प्रेम कथा। और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गदर एक प्रेम कथा, अनुवाद विद्रोह, प्रेम एक प्रेम कहानी, एक 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक अवधि की एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया है और 1947 भारत के विभाजन के दौरान सेट किया गया है। बूटा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में है। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विश्वजीत सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है, जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी संयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ इसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने से पहले कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना के कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया है। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों की, जो उसके मूर्ख तारा के दोस्त हैं, सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है, जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है, जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करके अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा
ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं, वो अपनी जान दे देने से नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और कुल शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदू और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन को पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुँचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जो जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिस्थित रखता है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए, क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके पति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करती है के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है, जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते, जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है, जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है, तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है, जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं, तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी, क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है, लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है, जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी, लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि
काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुँचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है, क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशद अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है, उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी, जो उसे गुस्सा दिलाता है और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा, सकीना, उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं। लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल रिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक मिर्जा पटेल मुख्य भूमिका में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विस्तृत सिनेमा में रिलीज किया गया था। निश्चित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है, जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी समयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से
मचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों के जो उस मूर्ख तारा के दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करके अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहन पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि बहनी वो अपनी जान दे देने से नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दें। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और कुल शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदू और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखता है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए, क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके पति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करती है के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है, जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता
अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर है। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है, लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी, लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है, उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है, जो उसे गुस्सा दिलाता है और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा, सकीना, उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विश्वजीत सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके है कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली
हिंदी फिल्म है जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी समयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देवल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कारों समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म में से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली हमीसा बैटल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों के जो उसकी मूर्ख तारा के दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं वो अपनी जान देने से उनकी नहीं हिचकिचाते हैं क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का
नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखना है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके प्रति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनका जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी भी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी जो उसे गुस्सा दिलाता और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा सकीना उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब
जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में है। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विश्वजीत सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है, जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी समयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया है। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों की जो उसकी मूर्ख तारा की दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है, जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है, जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को
इम्प्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय ककीना को अलविदा उपहार दिया जाता है तारा द्वारा। ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं, वो अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दें। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदू और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन को पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिस्थित रखता है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए, क्योंकि वो उस पर अधिक बिंछा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके पति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है, जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है, जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है, जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी, क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता, लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से विचित
चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है, जो उसे गुस्सा दिलाता है और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा, सकीना, उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं। लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक मिश्रा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विस्तृत सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी संयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कारों समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली हमीशा पटेल से प्यार हो जाता है जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ
में लिए। ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने से पहले कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों की जो उस मूर्ख तारा की दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है, जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं, वो अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि ही कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और कुल शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदू और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन से पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के ईंधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिस्थिति रखता है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए, क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और
देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके पति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को समझ महसूस करती है के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है, जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की तस्वीर होती है, जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जज के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है, लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी, लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है, उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी, जो उसे गुस्सा दिलाता और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा सकीना उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल रिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक मिर्जा पटेल मुख्य भूमिका में है। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के
खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत पुनराजून 2001 को विश्व सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसने भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है, जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी समयोग्यता सफल 4.86 बिलियन के है। देवल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने से एक रह गई है। भारत विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देवल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली हमीशा बटल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों की जो उस मूर्ख तारा के दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है, जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है, जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय ककीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं वो अपनी जान देने से इनकी नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो
आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और कुल शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखना है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके प्रति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है, उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन
सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी जो उसे गुस्सा दिलाता है और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा, सकीना, उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं। लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विश्वजीत सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके है कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी संयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कारों समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म में से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों की जो उसकी मूर्ख तारा की दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना
कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते हैं की घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इंप्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय ककीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि बहनी वो अपनी जान दे देने से इनकी नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिस्थिति रखता है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए, क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके प्रति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है, जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है, जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी भी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है, जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी, क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है, लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से
अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी जो उसे गुस्सा दिलाता और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा सकीना उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे कॉमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को 20 सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके है कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी समयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म में से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है जो एक परिवार से संबंधित हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर
पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों के जो उसकी मूर्ख तारा के दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं। वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा हुसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं वो अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाते चाहते हैं क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदू और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन को पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जो जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखना है वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और
देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके पति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है, जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है, जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है, लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी, लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है, उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी, जो उसे गुस्सा दिलाता है और उससे वो उस बड़ी भीड़ के उच्च सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा, सकीना, उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल जिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के
खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत पुनरा जून 2001 को विश्वजीत सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके है कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है, जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी संयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देवल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कारों समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देवल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंस ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों की, जो उसकी मूर्ख तारा की दोस्त है, सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है, जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है, जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि बहनी वो अपनी जान देने से उनकी नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि ही कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दें। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो
आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त रिश्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्रों के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जो जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखता है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके पति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी भी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वाले को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुँचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन
सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी, जो उसे गुस्सा दिलाता और उसे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है, जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा, सकीना, उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं। लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है, जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक मिर्जा पटेल मुख्य भूमिका में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विश्व सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है, जिसने भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी संयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंद हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों के जो उसके मूर्ख तारा के दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे
टैबलेट देता है जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करके अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं, वो अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और कुल शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदू और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखना है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए, क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके पति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है, जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है, जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने
वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जज के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है, लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। और जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वाले को पूरी तरह से विचित्र चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी, लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है, उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी जो उसे गुस्सा दिलाता है और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा, सकीना, उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं, लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विस्तृत सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके है कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी संयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई जिसमें उन्हें 47 फिल्मफेयर पुरस्कारों
समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा बैटल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया है। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों के जो उसकी मूर्ख तारा की दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है, जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है, जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना ने कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं, वो अपनी जान देने से नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और कुल शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो
तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखना है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़ कर उसके प्रति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करती है के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर है। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी भी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। और जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है जो उसे गुस्सा दिलाता और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा सकीना उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लेट दुबे के
साथ सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में है। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विश्व सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है, जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी समयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसमें उन्हें 47वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म में से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों के जो उसकी मूर्ख तारा की दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है, जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है, जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इंप्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे
पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं, वो अपनी जान देने से उनकी नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और कुल शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखना है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए, क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके प्रति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है, जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है, जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है, जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी, क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है, लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। और जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है, जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी, लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने
पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुँचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है, क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है, उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है, जो उसे गुस्सा दिलाता है और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा, सकीना, उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं। लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल डिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विश्व सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके है कौन के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है, जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी संयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसमें उन्हें 47 फिल्मफेयर पुरस्कारों समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म में से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया।
तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों की जो उसकी मूर्ख तारा की दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत है, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं, वो अपनी जान देने से उनकी नहीं हिचकिचाते चाहते हैं क्योंकि ऐसा ना कि ही कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और कुल शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदू और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्रों के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखना है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके पति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है जो दर्शाता है कि उसकी माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर है। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं
जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशद अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी जो उसे गुस्सा दिलाता है और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा सकीना उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। फिल्म में अमरीश पुरी और लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विश्व सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी समयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई जिसमें उन्हें 47 फिल्मफेयर पुरस्कारों समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला।
जबकि पटेल ने फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म में से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा बटल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में खो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों के जो उसके मूर्ख तारा के दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है, जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है, जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते की घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इम्प्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा हुसने उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं, वो अपनी जान देने से उनकी नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और क्रूर शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुंचते हैं। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि
वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखना है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके प्रति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा नहीं मिलेगा, तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए और तारा को इसलिए परिवर्तित हो जाना चाहिए। इन शर्तों को तारा ने अगले दिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था जो अशरफ अली को योजनाओं के खिलाफ था। वो तारा को ये साबित करने के लिए अपने देश का अपमान करना है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी जो उसे गुस्सा दिलाता और उससे वो उस बड़ी भीड़ के कुछ सदस्यों को मार डालता है जिसे अशरफ ने उसे मारने के लिए किराए पर लिया था। तारा सकीना उनका बेटा और एक दोस्त भागने में सफल हो जाता है। तारा और सकीना शहर से भाग जाते हैं और सीमावर्ती जंगल के पास एक गरीब जोड़े की झोपड़ी में छिप जाते हैं लेकिन पुरुष की पत्नी एक लालची महिला है जो सकीना के सारे गहने अपने लिए चाहती है। वो अपने पति की बात मानने से इनकार कर देते हैं और अधिक गहने मिलने पर सकीना को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।
फिल्म में अमरीश पुरी और लिटिल लिलेट दुबे के साथ सनी देओल और अभिषेक अमिता पटेल मुख्य भूमिका में है। शर्मा के बेटे उत्कर्ष ने बाल कलाकार के रूप में देओल और पटेल के बेटे की भूमिका निभाई है। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म से पहले एक और शर्मा निर्देशित जीनियस 2018 पटेल ने इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने वाली 500 लड़कियों में से सकीना की भूमिका हासिल की। लगभग 190 मिलियन के बजट में गदर एक प्रेम कथा को आशुतोष गोयकर के खेल नाटक लगान के भीतरी विपरीत 15 जून 2001 को विश्व सिनेमा में रिलीज किया गया था। मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद इसमें भारत में 768.8 मिलियन से अधिक की कमाई की और 546 मिलियन के वितरित हिस्से के साथ दुनिया भर में 1.33 बिलियन की कमाई की और आगे बढ़ गए। हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी। गदर एक प्रेम कथा 1990 के बाद से भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म है, जिसमें भारत में 50 मिलियन से अधिक दर्शकों की संख्या दर्ज की गई है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार 2007 की टिकट बिक्री के अनुसार भारत में इसकी संयोग्यता सकल 4.86 बिलियन के है। देओल की शर्मिली भूमिका की प्रशंसा की गई, जिसमें उन्हें 47 फिल्मफेयर पुरस्कारों समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नामांकन मिला, जबकि पटेल ने फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार के साथ साथ सभी समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन प्राप्त किया। 2014 तक ये भारत में विभाजन पर देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने से एक रह गई है। भारत के विभाजन के दौरान फिल्म एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह सनी देओल एक सिख की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना सक्कू अली अमीषा पटेल से प्यार हो जाता है, जो एक परिवार से संबंध हुए कुलीन परिवार। कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में मुसलमानों द्वारा सिखों और हिंदुओं पर हमला करने से होती है, जब वे पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन से ट्रेन से भारत की ओर पलायन करते हैं। जवाब में सिख और हिंदू पूर्वी पंजाब भारत से पाकिस्तान की ओर पलायन करने वाले मुसलमानों को मारकर जवाब देते हैं। विभाजन के दो तुरंत बाद भड़के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान तारा ने मुसलमानों को मारने की भी योजना बनाई। फिर भी रेलवे स्टेशन पर सकीना को हाथ में लिए ताजमहल की प्राचीन वस्तु से पहचान के बाद वो रुक जाता है। वो उसे एक जानलेवा भीड़ से बचाते हैं और उसका पीछा करते हैं, क्योंकि वो भीड़ में हो जाते हैं। बाद में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में चढ़ने में विफल रहे हैं। जैसे ही भीड़ उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का प्रयास करते हैं, तारा हिंग्स ने सकीना को अपनी सिख पत्नी बनाने के लिए उसके साथे पर खून सिंदूर लगाकर बचा किया। तारा के घर वापस जाने समय कहानी में एक प्रमुख फ्लैशबैक है, जिसमें तारा और सकीना की कॉलेज के दिनों के रिश्तों की दिखाया गया। फिर भी तारा की असली महत्वाकांक्षा सिंगर बनने की है। कॉलेज में कुछ लड़कियों के जो उसकी मूर्ख तारा की दोस्त है सोचती है कि उन्होंने एक एहसास के बाद उसे एक संगीत कार्यक्रम में जगह दी है। सकीना अमीषा पटेल द्वारा चित्रित संगीत शिक्षित के सामने तारा बुरा प्रदर्शन करती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे टैबलेट देता है, जो उसे उसके गायन कौशल को साबित करने में मदद करता है। उसके तुरंत बाद ये दिखाया जाता है कि सकीना असली संगीत शिक्षिका नहीं है, जो उसे दुखी करती है। संगीत शो में प्रदर्शन करते समय सकीना कॉलेज में वरिष्ठों की इच्छा के विरुद्ध होने के बावजूद तारा गाने का मौका देते हैं, बजाय वो अपना अभिनय नहीं करते घोषणा करती है। तारा अपने टैलेंट से सभी को इंप्रेस करती है। अंतिम वर्ष पूरा करने के बाद घर लौटते समय सकीना को अलविदा उपहार दिया जाता है। तारा द्वारा ताजमहल की छोटी सी प्राचीन वस्तु बाद में तारा के माता पिता जयदीप सिंह और दो बहनों पाकिस्तान में रही हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि वे विभाजन से पहले अमृतसर नहीं लौटे थे। तारा का मुस्लिम दोस्त परिवार से मिलता है और उनसे उसके साथ रहने का अनुरोध करता है, क्योंकि माता पिता दोनों दोस्तों को समान रूप से प्यार करते हैं बेटी की तरह। लेकिन तारा की माता पिता और बहनों असहमत हैं, वे अनिच्छा से छोड़ने का फैसला करते हैं। स्टेशन के लिए निकलते समय तारा के माता पिता अपनी बेटियों को आगाज के दौरान पाउच देते हैं। हतप्रभ जुड़वा उसने उनसे
पूछते हैं कि वो क्या है। पिता का कहना है कि कहीं नहीं, वो अपनी जान दे देने से इनकी नहीं हिचकिचाते चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ना कि कई मुस्लिम हमला करके उन्हें और उनकी मर्यादा को चकनाचूर कर दे। फिर परिवार स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बड़ी मुस्लिम भीड़ हिंदू और सिख शरणार्थी को पूरी ट्रेन पर हमला कर देते हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मेल चलाते हैं, लेकिन उन्हें भीषण तरीके से मारा जाता है। तारा की बहन जल्दबाजी में जहर खाने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे अपने साथी से फेंक देते हैं और कुल शारीरिक शोषण के बाद उन्हें मार देते हैं। हिंदुओं और सिखों के शवों से भरी ये ट्रेन अभी भी पूर्व पंजाब के अमृतसर स्टेशन पर पहुँचते। तारा अन्य हिंदुओं और सिखों के साथ जो स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों को लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदारों को ट्रेन और अंदर मार दिया गया था। इसे देखकर पूर्व पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने एक मजबूत दोस्त दस्ते का गठन किया और तारा सिंह के साथ सभी तरह से जवाबी कार्रवाई की और अमृतसर स्टेशन पर पाकिस्तान भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुसलमान का नरसंहार किया। इसके बाद और वर्तमान के वापस वे तारा के घर पहुंचते हैं। वो बताता है कि उसके सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा केवल उसके जान बचाने के लिए किया था और वो अपने घर पर सुरक्षित है। साथ ही वो बताता है कि वो समझता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वो तेजस्वी और समुद्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन से अपने माता पिता के निधन के बारे में जानने के बाद सकीना तारा के घर में रहने लगती है। तारा की परिवार के प्रति समझ की प्रतिक्रिया के बारे में तारा को चाची की टिप्पणियों को सुनने के बाद कि वो एक मुस्लिम उनके अनुसार परिष्कृत रखना है, वो तारा से आग्रह करता है कि वो उसे एक मुस्लिम शरणार्थी शिविर में ले जाए, क्योंकि वो उस पर अधिक बेंचा नहीं डालना चाहती। तारा और सकीना के लाहौर जाने से पहले सकीना और देकर कहती है कि उसने तारा की गुप्त डायरी के पढ़कर उसके पति प्रेम के बारे में जीना जान लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर कहती। सीमा पर पहुंचने और उसके लिए अपने प्यार को महसूस करते हुए के बाद वो उसे शादी के लिए प्रस्तावित करते हैं। वे शादी कर लेते हैं और जीत नाम के एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। उनके जीवन गुलाब के बिस्तर की तरह लगता है, जब तक कि सकीना होली के त्यौहार के दौरान एक पुराना अखबार नहीं देखते जिसमें उसके पिता अशरफ अली अमरीशपुरी की तस्वीर होती है, जो दर्शाता है कि उसके माता पिता जीवित हैं। उनके पिता अब लाहौर में मेयर हैं। जब सकीना उसे दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में बुलाती है, तो वो उसे लाहौर से जाने की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तारा और उनके बेटे जो उनके साथ लाहौर जाने वाले हैं, जो अंतिम समय में बताता जाता है कि उनकी निजी औपचारिकताओं को पूरी नहीं हुई है, जो उन्हें भारत में रहने के लिए मजबूर करते हैं। सकीना भारी मन से चली जाती है। वो लाहौर में अपने पूरे कबीले से मिलते हैं। उसे देखकर हर कोई रोमांचित है। बाद में जब वो भारत लौटना चाहते हैं, तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो अस्वीकार करने वाली थी, क्योंकि लोग उनके लिए एक भारतीय जट के साथ रहने के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उनके पिता भी भारत से पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके सभी कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। सकीना आहत और दिल टूट जाता है, लेकिन वो विरोध करता शुरू कर देते हैं। जब उसके माता पिता के दोस्त उसके शादी के बाद के जीवन की पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान आबादी से अधिक सहानुभूति और वोट निकालने के लिए उनके महसूस ससुराल वालों को पूरी तरह से चित्रित करते हैं। बाद में उसका परिचय एक बहुत ही सुंदर लड़के के होता है, जो एक बहुत प्रभावशाली धनी परिवार से आता है। उसे बताया गया है कि वो उसे शादी करेगी, लेकिन सकीना मना कर देती है और यहाँ तक कि काजी साहब से भी कहती है कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करना पाप है। इस बात को लेकर उसके माता पिता और मामा जी नाराज हैं। उन्होंने इसे जबरन महल के एक कमरे में बंद कर दिया। ये जानने के बाद कि उन्हें जिम वीजा
नहीं मिलेगा। तारा और उसका बेटा एक दोस्त के साथ सीमा पर अवैध रूप से पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। तारा अपने पुराने दोस्त के घर में शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को इस बारे में लड़ते हुए सुनता है। वो अपने बेटे जीत और अपने सहायक के साथ वहां से चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि सकीना शादी कर रही है और शादी से होने से पहले उसके पास पहुंचते हैं। माँ और बेटा खुशी से फिर से मिले। जब पुजारी उन्हें रोकता है तो एक लड़ाई छेड़ने वाली होती है, क्योंकि उसकी सकीना से पिता के राजनीति के करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरशफ अली जो शर्तों के तहत उनकी शादी के लिए सहमत है, उन्हें पाकिस्तान